ऑल कैंडिडेट्स नो एप्लीकेशन फी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल और इंटरेस्टेड है उनके लिए एप्लीकेशन फी नहीं रहेगी ऑल इंडिया लेवल पर कहीं से भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट की पे स्केल ऑफर हो रही है परमानेंट पोस्ट होने के चलते गवर्नमेंट की पे स्केल भी है आगे बढ़ेंगे पूरी डिटेल हम कवर करेंगे इस वीडियो में कि कौन से पोस्ट हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जॉब लोकेशन एक से ज्यादा है तो कौन कौन से जगह है जहां पर जॉब लोकेशन हो सकती है और एप्लीकेशन कैसे करनी है लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की एप्लीकेशन मोड क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और बाकी की सभी डिटेल हम आगे कवर करेंगे तो ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक थोड़ा सा नजर हम डाल लेते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कैसे आता है मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि विकीपीडिया से किसी चीज को समझने की कोशिश करूं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप राइट हैंड साइड दाई साइड में आप देखेंगे पेरेंट एजेंसी की पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर तो लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय लीगल अफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो चलिए आप बाकी की डिटेल कवर करते हैं इसके जॉब ओपनिंग सेक्शन में आपको सेकेंड सीरियल नंबर टू पर आपको मिलेगा सेवन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के डेट से अपडेट किया हुआ एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑन रेगुलर पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में है सेवन जुलाई को अपडेट हुई है चलिए अभी इसे डाउनलोड कर लेते हैं एक बार और देख लेते हैं डिटेल्स ये क्लिकेबल है और डाउनलोड कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है बट जो भी है डिटेल्स में यहां पर एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ एडवर्टीजमेंट यहां सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं सेवन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की डेट से एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑन रेगुलर पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसमें क्या क्या पोस्ट है क्या क्या जॉब लोकेशन है पहले पोस्ट देखेंगे फिर जॉब लोकेशन असिस्टेंट है जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी सिक्स है इसके बाद इसमें एज लिमिट कैसे दी हुई है एज लिमिट दी हुई है मिनिमम ट्वेंटी वन ईयर्स एंड मैक्सिमम थर्टी ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन जरूर दी होगी नीचे चेक कर लेते हैं स्टेनोग्राफर सेकेंड पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड वन इसमें टोटल फोर पोस्ट है सपोज किसी कैटेगरी में अगर पोस्ट नहीं है जैसे सपोज एस में नहीं है तो ऐसे कैंडिडेट क्या करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में जो पोस्ट है उसमें जाकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं फी नहीं है बिल्कुल किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी कैंडिडेट के लिए फी नहीं है हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है लाइब्रेरियन uh, की टू पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड टू के

टेनोग्राफर ग्रेड वन के लिए मिनिमम ट्वेंटी वन ईयर्स एंड मैक्सिमम थर्टी ईयर्स लाइब्रेरियन के लिए मिनिमम ट्वेंटी वन इयस एंड मैक्सिमम थर्टी थर्टीर्स टेनोग्राफर ग्रेड टू के लिए मिनिमम ट्वेंटी वन ईयर्स एंड मैक्सिमम ट्वेंटी सेवन ईयर स्टाफ ड्राइवर के लिए मिनिमम एटीन एंड ट्वेंटी सेवन मैक्सिम जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ पर है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स इन द प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा दी हुई है प्रेस्क्राइब मतलब नीचे दी हुई है सेवन पेजेस की एडवर्टीजमेंट नीचे में ही एडवर्टीजमेंट के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट पेजेस पे पीडीएफ के एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है प्रोफॉर्मा टू द फॉलोइंग पोस्ट इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच एट न्यू डेली न्यू डेली में है एंड जोनल बेंचेज एट भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में चेन्नई में पुणे मतलब महाराष्ट्र में एंड कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल में तो इन जगहों पर है न्यू डेली में भोपाल में चेन्नई में पुणे में एंड कोलकाता में ये सारे जॉब लोकेशन आपके रहेंगे बट एप्लीकेशन आप पूरे देश से कहीं से भी आप बिलोंग करते हो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकेंगे अब इसमें क्या क्या चाहिए असिस्टेंट पोस्ट के लिए लेवल मतलब बहुत अच्छी सैलरी होगी लेवल सेवन पे फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर आराम से बैचलर डिग्री चाहिए इन लॉ और कंप्यूटर ट्रेनिंग क्योंकि इसमें जुडिशियल है इसलिए लॉ में चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में और कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है एक सिक्स मंथ्स की मिनिमम एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है इसमें डिजायरेबल में है कि अगर अगर रहेगा तो अच्छा है स्टेनोग्राफर ग्रेड वन में बैचलर डिग्री होना चाहिए और स्किल टेस्ट होनी चाहिए इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट सिक्स मंथ्स की मांगी गई स्किल टेस्ट के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर लॉ से रहेगा बैचलर डिग्री तो अच्छा रहेगा बट मैंडेटरी uh, नहीं है किसी भी विषय से स्नातक है तो स्टेनोग्राफर ग्रेड वन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके साथ में स्नातक होने के साथ में एक छह महीने के कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कैसे भी आपको चाहिए प्राइवेट से गवर्नमेंट से कहीं से भी स्किल टेस्ट जो चाहिए उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश या मीन्स मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए ऐसा और इसके साथ में रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा या फिर अगर दो साल की एक्सपीरियंस है आपके पास सपोज आपके पास डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है ट्रांसलेशन की बट दो साल की आपके पास एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन की तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं okay. लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो लाइब्रेरी वाले कैंडिडेट्स के लिए ही है इसमें बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इन इन्फॉर्मेशन साइंस होना चाहिए दो साल की एक्सपीरियंस यहाँ पर लाइब्रेरी में आ, सेंट्रल में स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस बॉडी में या स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर में Uh, काम किया यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च कहीं पर भी आपने दो साल काम किया तो अप्लाई कर सकते हैं ये जो सर्टिफिकेट मांगी जा रही है ये एसेंशियल नहीं है जो भी चीजें डिजायरेबल में होती है डिजायरेबल में मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी बट मैंडेटरी नहीं इसके बिना भी एप्लीकेशन की जा सकती है डिजायरेबल वाली चीजों के बिना स्टेनोग्राफर ग्रेड में पास है तो अप्लाई कर सकते हैं लेवल फोर सैलरी सभी के लिए अच्छी बनेगी इसके लिए और कोई सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर ग्रेड टू के लिए नहीं मांगी जा रही है सिर्फ बारहवीं मिनिमम बारहवीं पास है किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से ट्वेल्थ मिनिमम पास है ग्रेजुएट है तो भी स्टाफ कार ड्राइवर है तो टेंथ पास है और एक ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और एक्सपीरियंस और ड्राइविंग है मोटर कार फॉर थ्री इयर्स और मोर तो तीन से ज्यादा तीन या तीन साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड और थोड़ा मोटर मैकेनिज्म आता है तो अच्छा है एप्लीकेशन कैसे करनी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट पे एट लेवल्स मेन्शन अगेन ईच पोस्ट सेवन सीपीसी सेवन सी पी सी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर बेनिफिट्स एज पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से अभी चल रहा है करेंटली जो गवर्नमेंट का पे स्केल चल रहा है वो है सेवन सीपीसी के हिसाब से ही सारी पे स्केल और बेनिफिट्स बेनिफिट्स का मतलब हो गया एच आर ए दिया जाएगा हाउस रेंट डी ए डी महंगाई भत्ता दिया जाएगा मेडिकल दिया जाएगा ग्रेचुटी पी एफ पेंशन ये न्यू पेंशन स्कीम ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको डेट कैसे कैलकुलेट करनी है लास्ट डेट को क्लोजिंग डेट को बेस uh, लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है लास्ट डेट क्या वो भी नीचे दिया होगा होगा मेंशन किया चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें अटैच करनी है सारी चीजें अच्छे से आप पढ़ लें एप्लीकेशन कैसे भेजना है ये इसके थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें फिलहाल हम पेज नंबर फोर पे पेज नंबर फाइव से आपको ये देखे एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलती है पेज नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन ये तीनों आपको डाउनलोड कर लेना इसको या तो आप टाइप कर ले या हाथ से भी लिख सकते हैं और इसके बाद इसमें पॉइंट एटीन में लिखा है द एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड इन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज क्या होती है आपके पास जो भी दसवीं से लेके अभी तक की जो भी आप सर्टिफिकेट जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी मार्कशीट होनी चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो सारी चीज सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद से साइन की होनी चाहिए फोटोकॉपी में फोटोकॉपी लेनी है उन सब सर्टिफिकेट्स की उसको खुद से साइन करना है और स्पीड पोस्ट से ही भेजना है सिर्फ स्पीड पोस्ट लिखा है तो गवर्नमेंट वाले जो पोस्ट ऑफिस होती है वहां पे जाके स्पीड पोस्ट कर दे इस एड्रेस तक पे पहुंच जाना चाहिए जुलाई मतलब जानी चाहिए. की लिंक अगर आप चाहते हैं तो मेरे इसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें जैसे आपको होम पेज की मैं लिंक देती हूँ तो ये होम पेज पे अगर आप आए इसी में नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहीं पर कहीं करियर सेक्शन मिलेगा करियर सेक्शन से आप हाँ इसमें करियर सेक्शन है राइट साइड में देखे करियर लिखा हुआ है थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं मैंने सपोज होम पेज की आपको लिंक दी नीचे स्क्रॉल डाउन करें मोबाइल पे थोड़ा अलग दिखता है और इस पे अलग दिखता है इसी में यहां पर देखिए करियर आपको नीचे स्क्रॉल करने से करियर मिलेगा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में तो उस पर क्लिक कर ले तो फिर पेज ओपन हो जाएगी और उसमें सेकंड आपको देख लेना है ये क्लिक किया जैसे आपने तो जैसे आप करियर पे क्लिक करेंगे तो जो जॉब ओपनिंग आएगी जॉब ओपनिंग पे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है पेज ये जॉब ओपनिंग पे आपने क्लिक किया तो सेकेंड एडवर्टीजमेंट आपको चेक करनी है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेवन जुलाई ये वाली एडवर्टीजमेंट सीरियल नंबर टू पे फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो सीरियल नंबर टू पे नजर आ रही है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी बेस्ट विशेष थैंक यू वेरी मच